फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं आदि योगा स्टैचू के पास। आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं इन पहाड़ियों में घिरा हुआ, इन पहाड़ियों और वादियों में घिरा हुआ भगवान शिव का है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से 70 किलोमीटर के दूरी पर स्थित ईसा फाउंडेशन द्वारा बनाई गई भगवान शिव के आदि योगी स्टैचू के पास। तो सबसे पहले हमें मैजेस्टिक जाना होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं मैजेस्टिक टर्मिनल पर और यहां से हमें चिकबालापुर डिस्ट्रिक्ट को जाना है। चिकबालापुर के लिए ज्यादा तो ट्रेन नहीं है, इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे बस से जाने के लिए। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं चिकबालापुर जाने के लिए सारे बस लगी हुई है जो की रेड कलर की है। चलिए पता करते हैं कौन सी बस चिकबालापुर के लिए जाएगी। तो अभी हमें इंक्वायरी करने पर पता चला कि ये वाली बस चिकबालापुर के लिए जा रही है, तो हमने इसका टिकट कटा ली और बस में हमें सीट भी मिल गई। तो वहाँ पर जाने के लिए हम लोग का एक टिकट का कॉस्ट 72 रुपीस पड़ा, दो लोगों का 144। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेवल करें आप अपने पास चिलर को जरूर रखें, क्योंकि अभी बस वाले हमसे 150 रुपीस लिया क्योंकि उसके पास 6 रुपीस चिलर नहीं। बाकी यहाँ से तो हमारी सफर 3 घंटे की है। तो एंजॉय करते हुए और रास्तों में इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हुए, ट्रैफिकों का सामना करते हुए हम निकल, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ईसा फाउंडेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले बैंगलोर आना होगा। वैसे तो बैंगलोर के लिए आपको इंडिया के किसी कोने से ट्रेन मिल जाएगी। तो हम तो बैंगलोर में ही रहते हैं और चिकबालापुर पहुंचने के लिए हम ट्रेन नहीं बल्कि लोकल बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चिकबालापुर के लिए बैंगलोर से बहुत ही कम ट्रेन है, लेकिन बस आपको हर 5 मिनट में मिल जाएगा। हम लोग चिकबालापुर बस स्टॉप पर आ चुके हैं, आप देखते हैं। अभी तो हम लोग चिकबालापुर बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं। तो चलिए पता करते हैं यहाँ से कोई लोकल बस अवेलेबल है या नहीं ईसा फाउंडेशन। तो यहाँ पर हमें इंक्वायरी करने पर पता चला कि ईसा फाउंडेशन के लिए एक स्पेशल बस है जो हर 5 मिनट पर आपको चिकबालापुर से मिल जाएगा। तो हम लोग भी अभी टिकट कटा लिए हैं और बस में बैठ गए हैं। भगवान शिव का वह आदि योगी स्टैचू चिकबालापुर के औला गुरकी के एक गांव में बसा है। बाकी यहां के लोकल लोग इसे ईसा फाउंडेशन के नाम से ही बुलाते हैं। जाते हुए रास्ते में आपको नंदी हिल का नजारा भी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है। ईसा फाउंडेशन को बनने से यहाँ पर टूरिस्ट का भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति ईसा फाउंडेशन को ही जाता है, क्योंकि बेंगलोर के आसपास होने के कारण आपको चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ और बीच में स्थित भगवान शिव का वो आदि योगी स्टैचू देखने को मिल जाए। क्योंकि बेंगलोर के पास होने के कारण आसपास के काफी टूरिस्ट यहां पर आते हैं। अगर आप बाइक से आते हो तो आपको 360 व्यू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग बस में है तो एक साइड का व्यू देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ है और आपको रास्ते में नदी, झील और लेक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। फाइनली गाइज हम लोग एंट्रेंस गेट पर पहुंच गए हैं और आप जैसे ही इस गेट पर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले सतगुरु का यह फोटो देखने को मिल जाएगा और आपको यहां पर गेट का बैनर भी देखने को मिलेगा। और अब यहां से हमें पहाड़ पर चढ़ाई करना है। पहले तो इधर उतना अच्छा रोड नहीं था, लेकिन टूरिस्ट की संख्या को देखते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के ऊपर भी कितना अच्छा रोड बन गया है। और अगर आप बाइक से आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बस से है तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ चार्ज नहीं है। और जैसे ही आप ईसा फाउंडेशन के नजदीक पहुंचते हो तो दूर से ही पहाड़ों के बीच स्थित भगवान शिव का वो स्टैचू दिखेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए ईसा फाउंडेशन और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो जो स्टैचू है भगवान शिव का, तो उन्हीं के पास हमें जाना है। तो पूरे 3 घंटे के ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भगवान शिव के स्टैचू के पास। और आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि भगवान शिव का वो स्टैचू कितना बड़ा है। ये देखिए यहाँ फर्स्ट एंट्रेंस पर ही यह दीवार बनाया गया है और इसमें बनाई गई यह झरोखा जहाँ से देखने पर भगवान शिव की प्रतिमा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम दोनों एक दूसरे के ठीक सामने हैं। ठीक वैसा ही जैसे पहले के राजा महाराजा लोग अपने प्रजा से बात करने के लिए राजमहल में खिड़कियां छुड़वाते थे। बाकी आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले।